एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज अली एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या खुतुब या गौसे आज़म या वली रोशन ज़मीर बंदा हम दर मानदा हम जिस तो नदार हम दस्तगीर बरदरे दरगाह वाला साइलम ए आफ्ताब खातिर नाशाद राकुन शाद या पीरान पीर अलमदद या गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर है जहाँ चाहो रखो ख़दम गौसे आज़म करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म रख लीजिए हम ग़ुलामों का भरम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं हज़रत गौसे आज़म वेलफेयर सोसाइटी का सदर ईरानी गली काली कमान रोड पे रहता हूँ सरकार के छिल्ले मुबारक के बाद। तो हर साल 40 साल से ज़्यादा अरसे से हाथी पे नशाने मुबारक बरामद होता है ईरानी गली छिल्ले मुबारक से। कभी भी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन इस मरतबा दो साल से कोविड 19 होने की वजह से हम लोग 11वीं शरीफ जुलूस हाथी पे बरामद नहीं कर सके। फिर मुख्तलिफ अफवाह हो रही थी कि फिर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा या फिर कुछ कोविड 19 बढ़ सकता, तो दूसरे प्रोसीशंस को इजाज़त दे रहे। मैं DCP साउदर्न से भी मिला था तो उन्होंने बोले कि भाई लास्ट ईयर जो है मुहर्रम बोनाल को भी हाथी पे बरामद होने की इजाज़त नहीं दी गई, लिहाजा आप वेट करिए। तो हम वेट इंतज़ार करें, फिर वही हाथी के ऊपर हम लोग जो BK Alam को हाथी आया था वो हाथी वालों से कॉन्टैक्ट करके वो हाथी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से NOC लिए। वो हाथी वाले हमको लेटर दिए, लेने देने के बाद वो लेटर पे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट मिसेस श्रीमती आर शोभा हमको NOC दिए। वो NOC के ऊपर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन हमारे को पुलिस परमिशन दिए कि एलिफेंट पे 11वीं शरीफ नशाने मुबारक हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप निकाल सकते हैं। तो हम 7 मुहर्रम को यानी 16 अगस्त को हम हाथी पे बरामद करने वाले थे, लेकिन वो शिया ऑर्गेनाइजेशन वाले एतराज़ कर रहे थे कि हाथी वाले को बोले कि नहीं 21 को रखो बोलो उन लोगों को, हम मुहर्रम को 10 मुहर्रम को हाथी पे BK Alam निकाल लिए बाद रखो बोलो। तो हाथी के जो ऑर्गेनाइज ओनर्स है मठ वाले वो लोग फ़ोन करके बोले नहीं साहब 7 तारीख को नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी DCP साउथ जोन को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे दिए थे 16 तारीख को हाथी पे बरामद कर रहे। तो वो लोग हमारी फाइल अंडर प्रोसेस थी, फौरन एलिफेंट वालों का फ़ोन आया कि शिया ऑर्गेनाइजेशन वाले बोल रहे कि भाई एलिफेंट 7 तारीख को नहीं लाना, 7 तारीख को हम निकलने नहीं देंगे एलिफेंट, लिहाजा 11 तारीख को कर लो बोलो, 10 को हम लोग अलम उठा लेते। तो वो एलिफेंट वाले का कहना है और अंदरूनी क्या कातू भाई, ये हमारे 10 मुहर्रम के दिन हमारे बी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला उनका जुलूस निकलने के बाद हमारे पुराने पिन गौसे आज़म दस्तगीर का नशान 11वीं शरीफ का नशान हर साल साल मनाते हमारे पास, तो उसके ताल्लुक से उन्होंने फेसबुक पे ऐसे बुरे वाहियात बातें डाले हुए हैं और बेशर्मीपना। आगा सफदर है उसका नाम, गंगानगर में रहता शिया है, आगा सफदर है, वो एक इंसान प्रॉब्लम करता शिया सुन्नी बोल के उन्हें मिला था हम लोग को, हम लोग और दूसरे लोग हैं हर साल साल उन लोग को ऐसे करते, हर साल साल ऐसे करता वो बच्चा, आज की नई बात नहीं है ये साहब। और ये आज हमारी आवाम जमा हुई तो हमारे पुराने पीर के शान के वास्ते जमा हुई, उनके खुस्ताखी उनके नाम पे उनको ये तोहमा तारी बोल के जमा हुई, और ये आवाम एक ही बात चाह रही कि हर साल यही जब आए जब PS में कंप्लेंट डालना है हर वक्त PS में ये एक ही बार कंप्लेंट डालते जा रही कि फलाने बच्चा ये कर रहा फलाने बच्चा ये कर रहा, कोई आंसर नहीं दे रहे। हर साल हो रहा भाई, हर साल हो रहा, ये आज का नहीं है, ये आज का नहीं है। और 12 रबी अव्वल भी आया तो हमारे तरफ लड़ाई होती कि वो लोग भी हमारे शिया है सुन्नी है, ये दूसरे लोग नहीं मजहब में नहीं मिलाते दूसरे कौम के लोग, ये जो भी प्रॉब्लम है आगा सफदर को है। आगा सफदर मलिका सुल्ताना बेगम का पोतरा है, मलिका सुल्ताना बेगम पहले एक ज़माने में क्या थे पता नहीं, उनके बारे में उनका पोतरा हमारे से पूरे लोगों के वाहियात बता ऐसा डालता। लास्ट टाइम भी बोले बोल रहे हैं, लास्ट टाइम पहले 2 साल पहले भी करे, 2 ईयर्स पहले भी बोले, एक्शन कुछ भी नहीं लिया, कंप्लेंट करे पुलिस वाले छोड़ दिए, फिर नजरअंदाज करे, फिर आज तोहमत ये आई आज हमारे पुराने पीर के निशाने मुबारक की बेहरमती करे 11वीं शरीफ के 11वीं शरीफ का निशान हाथी पे निकाला था, गधे पे निकाला था बोले
हमेशा की बात है ये, हर साल हमारे गंगानगर में रबीलाल जब भी आता है जो भी हुआ आज हमारे पुराने पीर के शान में हुआ खुशताखी क्या बात से अभी बोला तो असम दस्तगीर का ग्यारहवीं हमारे पास दस मुहर्रम को करते बड़ा नशा चढ़ाते आपको लेके जाके भी बताते हम लोग वो नशा ना आज भी वैसी है। ईरानी गली में हम लोगों की ग्यारहवीं धूम से निकलती है। हमारे ये भाई साहब है, हमारे वार्ड बोर्ड पे भी काम करते हमारे ये भाई साहब है, पुराने पीर के गौसे आजम दस्तगीर के जो भी है नशाने पाक कर जो भी काम करने वाले हैं, और हमारे पूरे आशु खानों का भी काम संभालते कोई हम लोग कोई मिलावट नहीं करे, उनके जो भी जमाते हमारी है हमारा मजहब है वो भी मजहब है, बल्कि हम लोग दोनों हम लोग एक मोहब्बत से रहने वाले है। आज वो नाइक तफाकी पैदा ये बच्चा कर रहा आखा शब्द नाइक तफाकी पैदा कर रहा भाई हम लोगों के दिलों में दादी पोतरा उन लोग पूरे आ गए ये बोल रहे हैं कि ये हाथी पे क्यों निकाला गया गधे पे निकालना था बोल के बोल रहे इसके बारे में इतनी बड़ी कमेंट बहुत है फेसबुक पे चेक कर पूरा जने हंसी उड़ा रहे भाई ये क्या मतलब है क्या भाई हम लोग किसी को कुछ करे अगर एक्शन ले लिए कल ग्यारहवीं शरीफ एलिफेंट प्रोसेशन मीर चौक पुलिस स्टेशन में कंडक्ट करे। वो ग्यारहवीं शरीफ एलिफेंट प्रोसेशन को देख के थोड़ी सफदर सरफराज बोल के एक आदमी ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट सोशल मीडिया में फेसबुक में पोस्ट करे। वो पोस्ट देख के थोड़ा कम्युनिटी लोगों हट हो गया, इमेट कंप्लेंट दिए रैन बाजार पुलिस स्टेशन में। वो कंप्लेंट हम ले लिए, उनको अक्लाइनमेंट भी दिए, उनको हम बोले वो कंप्लेंट में हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं बोल के वो लोगों भी सेटिस्फाई हो गया। पुलिस इतना जल्दी एक्शन ले रहे हैं बोल के वो लोगों भी सेटिस्फाई हो गया। थैंक यू। एक्टिव न्यूज़ चैनल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.